तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। इसका मतलब बेलगाम कामुकता नहीं है, अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अद्भुत भेंट है जो अगस्त्य मुनि ने हमें दी है। उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, बाहर से कुछ भी नहीं। जब आप तंत्र की बात करते हैं, हमने तांत्रिक शब्द कई बार सुना है और इसके बारे में कई तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्या आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं कि ये क्या है? क्या ये कोई काला जादू है? ज्यादातर सृष्टि काला जादू है। प्रकाश इस सृष्टि में एक छोटी सी घटना है ना? क्या ज्यादातर सृष्टि में अंधेरा नहीं है? प्रकाश एक बहुत ही छोटी सी घटना है, एक बहुत ही सीमित घटना। प्रकाश तभी होगा जब कुछ जलेगा। ये बत्तियां जलाने के लिए इस धरती पर अभी कुछ जल रहा है। आपको ये समझना चाहिए, जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, रोशनी के इन बिंदुओं के लिए कोई चीज कहीं जल रही है। हम कहते हैं बल्ब जल रहा है, वो भी जल रहा है, पर इस जलाने के लिए कोई और चीज जल रही है ना? प्रकाश का यही तरीका है, चाहे फिर वो कोई बल्ब हो या सूरज, कुछ जल रहा है। जो भी जलता है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम कहते हैं, अगर आप गैर जिम्मेदारी से जलाते हैं तो हम कहते हैं आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं प्रकाश तभी होगा जब कुछ जलेगा। तो अगर आप कुछ जलाकर प्रकाश ला रहे हैं तो बेहतर है कि आप प्रकाश को कंट्रोल करें और उसे कम से कम रखें, वरना चीजें बहुत जल्दी जल जाएंगी। तो प्रकाश एक बहुत सीमित घटना है, बाकी पूरी सृष्टि एक काला जादू है, नहीं? तो ऐसी बहुत सी गुप्त विद्याएं हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जीवन के खिलाफ हो। गुप्त विद्या का जीवन के खिलाफ होना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने किसी घटिया तांत्रिक के बारे में सुना है जो किसी का जीवन बर्बाद करने या उसे बीमार करने या मारने की कोशिश करता है, इसलिए आपको लगता है कि तंत्र एक बुरी चीज है, क्योंकि समाज में आपने बस वैसे ही लोग देखे हैं। लेकिन तंत्र सबसे ऊंची कोटि का भी है। शिव एक तांत्रिक है, हर गुरु एक तांत्रिक है, ठीक है? अभी मैंने आपको शांभवी में दीक्षा दी, ये एक तंत्र है, वरना ये काम कैसे करेगा? तंत्र का मतलब है एक तरह की काबिलियत, ये एक तकनीक है। अभी मैं अपना फोन निकाल कर किसी से बात कर सकता हूं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है, ये एक तकनीक है। मान लीजिए बिना किसी फोन के अभी मैं यूं ही अमेरिका में किसी से बात करूं, तो ये तंत्र है। तो तकनीक तंत्र से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप अलग उपकरण इस्तेमाल करते हैं, मगर असल में ये एक ही चीज है। जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब तंत्र का बहुत महत्व था, लेकिन आज तंत्र का महत्व घट रहा है जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी आप मुंबई में आए हैं, बॉम्बे, मुंबई। मैं इसे आपके दिमाग में ठीक कर रहा हूं ताकि आप मुसीबत में ना पड़ें। मान लीजिए 1000 साल पहले आपने सुना सदगुरु कोयंबटूर में है। अब आपके दिल में इच्छा है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन मुंबई से कोयंबटूर तक पैदल आना जाना आसान सफर नहीं है। अगर आप कदम बढ़ाएं तो आप नहीं जानते कि आप वापस मुंबई पहुंचेंगे या नहीं। आपको पता नहीं मार्ग में क्या मिलेगा, आप शायद मंजिल तक पहुंच ही ना पाए। तो आप मुंबई में ही बैठकर, सदगुरु प्लीज मेरी मदद के लिए आइए, मैं नहीं आ सकता, प्लीज। अब अगर मुझे लगे कि अतुल के साथ कुछ करना चाहिए जो मुंबई में है और कोयंबटूर नहीं आ सकता, तो मेबी आई वांट टू इनिशिएट हिम इनटू शांभवी इन मुंबई। शायद मैं उसे मुंबई में ही शांभवी दीक्षा देना चाहूं, लेकिन अतुल का मन जगह जगह भटकता रहता है। वो बैठता है, कुछ अनुभव करता है, फिर सोचता है
शायद मैं बेकार की कल्पना कर रहा हूँ। उसकी पत्नी उसे कहती है, तुम पागल हो रहे हो, ऐसा इंसान जिसे तुमने देखा भी नहीं वो तुम्हें कुछ कर रहा है, चुप करो और काम पर जाओ। वो कुछ अनुभव करने लगता है, पर उसका तर्क, उसके विचार और परिवार, वो कहता है मूर्ख मत बनो। फिर सदगुरु ये करेंगे कि एक दक्षिण भारतीय चमेली का फूल उठाएंगे जो मुंबई में नहीं उग सकता, और अतुल ऐसे बैठा है, फूल उसके हाथों में गिरा। अब वो बैठ जाएगा शांभवी की दीक्षा लेने के लिए तैयार, क्योंकि एक चमेली का फूल भेजा गया। लेकिन आज मैं आपको कॉल करके कहूंगा यहां आ जाओ, या किसी के साथ ब्रोशर भेजकर आपसे कहूंगा यहां आकर सीखो, या अगर मैं आपको चमेली का फूल भेजना चाहूं तो मैं DHL से भेजूंगा। तो आधुनिक तकनीक से तंत्र का प्रयोग खत्म होता जा रहा है, पर मैं चाहता हूं कि आप 1000 साल पहले की बात सोचें और समझें कि तंत्र कितना मूल्यवान था। हाँ, 1000 साल पहले कल्पना कीजिए, आप मुंबई में हैं और मैं कोयम्बटूर में, आप मुझसे कुछ चाहते हैं, तंत्र के मूल्य की कल्पना करें, है ना? तो आज इसका मूल्य कम हो गया है, तो हर तरह के ढोंगी हर तरह की बकवास कर रहे हैं, तो तंत्र का बुरा होना जरूरी नहीं है। Now, the English word occult doesn't clearly specify what is it that they're calling as occult. हाल ही में किसी ने मुझसे सामयामा में एक प्रश्न पूछा, शायद किसी गुरु ने ऐसा कहा है, तंत्र बस अपनी सनक को छोड़ने का तरीका है, बस अपनी सनक से परे जाने का तरीका है। ये बकवास है। दुर्भाग्य से आज हमें तंत्र शब्द को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। सबसे पहले यह समझते हैं, तंत्र शब्द का मतलब है तकनीक। लेकिन आप जिस तंत्र के बारे में सुन रहे हैं वो अमेरिकी तटों से लौट कर आया है। आपको लगता है तंत्र का मतलब है बेलगाम कामुकता, नहीं, तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। ये बेलगाम कामुकता नहीं है, ये परम अनुशासन है। अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप अपने शरीर और मन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए, कामुकता या ढीलापन नहीं। तंत्र वे चीज नहीं है जो किताबें लिखी गई हैं, वे मुख्य रूप से पश्चिमी लेखकों की है, हर तरह की चीजें नहीं। तांत्रिक ग्रंथों में परम अनुशासन होता है, किसी तरह का ढीलापन नहीं, क्योंकि वे शरीर की बात करते हैं। और फिलहाल आधुनिक समाजों में अगर आप शरीर कहते हैं तो उनके विचार सिर्फ शरीर के जनन अंगों के बारे में, न कि शरीर के किसी और चीज के बारे में। तो अगर आप शरीर कहें तो वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे दिमाग को भूल चुके हैं। क्योंकि वे सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के बारे में सोचते हैं, वे कामुकता के बारे में सोचते हैं और उससे परे कुछ नहीं। इसका संबंध शरीर को एक जबरदस्त मशीन की तरह इस्तेमाल करने से है, और ये है भी। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप यहाँ क्या करेंगे? अगर आप अपने शरीर और उसके पीछे की ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप क्या करेंगे? आपका किसी भी चीज पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तंत्र है। तंत्र का मतलब है तकनीक, तंत्र मतलब एक निश्चित क्षमता। तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। अगर उसके पास कोई तकनीक नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो बस एक कोमल संत हो सकता है जो सबको आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा। A blessing has no discretion. आशीर्वाद खुद निर्णय नहीं लेता। अगर आप एक चोर हैं और आप संत से मिलते हैं तो आप उसका आशीर्वाद मांगेंगे,
और वे देंगे, जिससे आप आज अपना काम अच्छे से करें। क्योंकि उनके आशीर्वाद में समझ नहीं है, वे वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। यहां तक कि लुटेरों के भी, पिंडारी और वैसे लोगों के भी अपने देवी देवता और संत होते थे। उनके देवता हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे कि आज किस घर पर हमला करना है। वे बहुत सफल थे। उन्होंने अपना काम शताब्दियों तक किया। डाका डालना उनका काम था। तो अगर आप बस एक कोमल फूल जैसे संत हैं, जो बस आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है, मैं उसे महत्वहीन नहीं बता रहा। वे अपने तरीके से सुंदर हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए नहीं हैं जो आत्मज्ञान की इच्छा रखते हैं। वे उन लोगों के लिए नहीं हैं। वे उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में छोटे सुधार चाहते हैं। अगर आप किसी घरेलू सामग्री के भंडार में जाएं, तो आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं, है ना? हाँ या ना? आप वाकई कर सकते हैं। मैं रोज टीवी पर लोगों को कहते देखता हूं, अरे मैंने बस ये पलंग खरीदा, मेरा पूरा जीवन बदल गया, ये जबरदस्त है। मुझे पता नहीं था कि एक पलंग या तकिया ऐसा कर सकता है। मुझे पता नहीं था। क्या आपने ये देखा है? मेरा पूरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। तो अगर आप किसी भंडार में जाएं और किसी ऐसी चीज के साथ बाहर आएं जो आपके पास नहीं थी, तो आपका जीवन थोड़ा बहुत बदल सकता है। जीवन बदल जाता है, पर जीवन कितना बदलता है ये कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या बदला है ये कई चीजों पर निर्भर करता है ना? मान लीजिए आपको ठंड लग रही है और आपके पास जैकेट नहीं था, पर आपको मिल गया, तो फिलहाल जीवन बदल गया है ना? है कि नहीं? तो क्या हम उस चीज की बात कर रहे हैं? अगर हां तो ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक विकास, परम प्रकृति तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो किसी क्षमता के बिना एक गुरु क्या है, आप उसे गुरु नहीं कह सकते। क्षमता का मतलब है कुछ करने की काबिलियत जो लोग खुद नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहता हूं ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो कि अगर कोई तंत्र ना हो, तंत्र से मेरा मतलब है अगर कोई तकनीक ना हो, तंत्र संस्कृत में तकनीक को कहते हैं, उसे नहीं कहते जो आपको समझा दिया गया है। तो अगर कोई तंत्र न हो तो वाकई कोई गुरु भी नहीं होगा। क्योंकि गुरु होने का मतलब है ये एक मैकेनिक का काम है। आपको चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। ठीक करने के लिए आपको उन्हें समझना होगा। आपके हाथों में कोई तकनीक होनी चाहिए और यही तंत्र है। क्या ईशा में तंत्र है? बिल्कुल है, हर जगह, हर तरह का। लेकिन योग का महत्व यह है कि इसमें बाहरी विधियां नहीं होती। तंत्र के दो आयाम हैं। पहले में आप बाहरी सामग्री का इस्तेमाल करके चीजें करते हैं जिसमें विधियां होती हैं। योगिक तंत्र में आप सिर्फ अपने शरीर और ऊर्जा सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी और सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसे मोटे तौर पर दाएं हाथ और बाएं हाथ के मार्गों के रूप में बांटा गया है। बाएं हाथ के मार्ग में बाहरी सामग्री का इस्तेमाल होता है, दाएं मार्ग में बाहरी सामग्री नहीं, सिर्फ शरीर का ही इस्तेमाल होता है। काफी हद तक ये यौगिक तंत्र है। काफी हद तक इसे हम अपने अंदर करते हैं। ये अगस्त्य मुनि की अद्भुत भेंट है।
कि उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक प्रक्रिया स्थापित की जो 100% शरीर में स्थित है, जो बाहरी नहीं है। तंत्र के अलग अलग आयामों के लिए चावल के एक दाने या रेत के कण का भी इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ सिस्टम के अंदर ही होता है। ये उन्होंने हमें भेंट किया है। ये सबसे बड़ी चीजों में से एक है। इंसानी सिस्टम से जुड़ी ये सबसे बड़ी चीज है जो आज तक हमें किसी ने भेंट की है। ये उनकी भेंट है।